हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दो पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे और दोनों शेयर काफ़ी बेहतरीन है। अगर उनके रिटर्न की बात करूँ तो काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न उन्होंने पेश किए हैं और आगे आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि वो शेयर भागते हुए नज़र आएंगे और अच्छे खासे हैं। बट कुछ कॉन्स भी होंगे जो कि मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आपको आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज कल की डेट में देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर वीडियोस बनाई गई थी तो उन वीडियो की तरफ आप देख सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग से रिलेटेड मैंने कल बताया था और मैंने आपको बताया था कि इनके 30 बात करें तो 30 लाख कस्टमर बढ़े हैं। ओके, तो ये कल ब्लास्ट करते थे तो आज की डेट में अगर देखा गया तो 20% का इसने गेन बनाया था। और इसके पीछे रीज़न क्या था तो इससे रिलेटेड आज एक अलग से सिक्योरिटीज से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा, उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा तो आपको पता चल जाएगी मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। तो अगर बात करें, और भी बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर आई हैं तो इसका इन वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिए। बाकी बोनस से रिलेटेड न्यूज़ थी तो आज की डेट में वो भी शेयर 4 से 5% भागता हुआ दिखाई दिया, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है या लिंक है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाए, कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और आसपास कोरोना बहुत बढ़ रहा है तो आप जितने लोगों की हेल्प कर सके अपनी तरफ से तो डेफिनेटली करिए, उसमें बिल्कुल मत चूकिए क्योंकि पुण्य का काम होता है किसी की भी हेल्प करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप दान देना चाहते हैं तो इनकी गवर्नमेंट की ही ये लिंक है PMKF1, तो आप इन यहाँ पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दो शेयर जिनके से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, सबसे पहला है बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो देखिए कल की डेट में मैंने यहाँ पर बात करी थी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ये वीडियो थी, तो मैंने यहाँ पर बजाज हेल्थ केयर से रिलेटेड देखिए यहाँ पर देखिए बजाज हेल्थ केयर, तो यहाँ पर बात करी थी इन्होंने एक मेडिसिन निकाली थी। ओके, तो उसका फ़ायदा इस शेयर में आज की डेट में देखने को भी मिला, उस दिन भी भागा था, कल की डेट में कुछ गिरावट थी और बात करें आज की डेट में तो लगभग 7% शेयर भागा है जस्ट बिकॉज ऑफ टू न्यूज़। एक तो न्यूज़ सिंपल थी, जो आरबीआई के गवर्नर थे उन्होंने बोला था कि वो 50,000 करोड़ रुपीस का ओके फार्मास्यूटिकल एज वेल एज हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें फ़ायदा देंगे, तो आज की डेट में अगर देखें तो 7% ये शेयर भागता हुआ हमें नज़र आया है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है। ओके, कोई किसी भी तरीके की कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती, बस बीच में थोड़ी थोड़ी गिरावट जरूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें 2016 से तो लगभग 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में एक कंपनी ने 625% के रिटर्न दे दिए हैं, तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और एज वेल एज बात करें कि बजाज हेल्थ केयर करती क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेल्थ की वेलकम टू ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नज़र आती है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए 1993 से सर्व कर रही है फूड इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल ग्लोबली विद स्प्रिट ऑफ स्कूपल लेसनेस, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हार्ड है इसका क्योंकि ये जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नज़र आती है, आर प्रोडक्ट APIs में काम करती है, इंटरमीडिएट्स में, फॉर्मुलेशन में, इम्प्योरिटीज़, मतलब जो शेयर चले नहीं है ना तो वो शेयर आज के डेट में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस शेयर से कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं माइक्रो, तो आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप लास्ट में देखिए यही कंपनी बढ़ती भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्मॉल कैप कंपनी कल की डेट में ये स्मॉल कैप भी बनेगी, मिड कैप भी बनेगी, लार्ज कैप भी बनेगी, बट इट विल टेक टाइम। बट स्टिल अगर बात करें, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, एट दैट टाइम यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि चार्ट पैटर्न को देख के लग रहा है कि कंपनी देखिए अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा रही है, नो डाउट। ओके, कोविड से पहले भी परफॉर्म कर रही थी, इतना नहीं कर रही थी बट ठीक है कर रही थी, बट अगर बात करें अभी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, तो आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से ओके आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्ट हमेशा करना चाहिए। किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी 10 लाख की होती है, किसी की 10 करोड़ की होती है, तो उसी आपसे हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कि आपको कल की डेट में कर ये शेयर नीचे भी आया क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो नीचे भी आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। डेट की बात करें तो 52% की डेट है, मतलब अच्छा खासा डेट यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, सेल्स 48 करोड़ की सेल्स 2015 में थी दिसंबर में, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 178 करोड़ रुपये की सेल्स हो चुकी है लास्ट क्वार्टर से। अगर बात करें सेप्टेम्बर के क्वार्टर
क्वार्टर से दिसंबर में कम थी। अभी देखेंगे किस तरीके का सूरत हाल है, जो वो भी एक बार आएगा रिजल्ट तो तब देखते हुए हम नजर आएंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट 26 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर नजर आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले 10 साल की भी अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, 10-11 साल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स 117 करोड़ रुपए की सेल्स 643 करोड़ रुपए की सेल्स में बढ़ चुकी है। तो कंपनी इज़ डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस। तो अगर इस तरीके की कंसिस्टेंसी नज़र आती है तो ऐसी कंपनी में हमेशा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी 6 करोड़ का प्रॉफिट 77 करोड़ के प्रॉफिट में भी तब्दील हो चुका है। रिजर्व्स की बात करें, अच्छे खासे 199 करोड़ के रिजर्व्स, 111 करोड़ की बोरिंग जो कि इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का, कैश अच्छा खासा है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है। एज वेल अगर कुछ और बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। FIIs, DIIs यहाँ पर है नहीं, और बात करें यहाँ पर HNI जरूर है, तो HNI ने यहाँ पर जो ये है अच्छे खासे यहाँ पर होल्डिंग रख रखी है। तो हर चीज़ का पैरामीटर देख के कंपनी अच्छी खासी लग रही है। ओके, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं इस कंपनी के साथ। बाकी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र एज वेल एज खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा शेयर है मैक्स हेल्थ केयर। तो ये शेयर अभी नज़र आया है, अगर बात करें 2020 में ही अगस्त में आता हुआ नज़र आया, तब कुछ ज़्यादा न्यूज़ मैंने भी नहीं सुनी थी, शायद मिस हो गई होगी, बट उस दिन से ही यह शेयर काफ़ी अच्छा खासा भागता हुआ नज़र आया और ये भी ऑल टाइम हाई पे ही अपने डील कर रहा है। एज वेल एज बात करें 97 का 12 नवंबर को था और 241 रुपये का आज की डेट में, अगर 5 महीने में ही शेयर दोगुने से ज़्यादा हो चुका है। अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें आज की डेट में, देखिए 85% की डिलीवरीज उठाई गई है, लगभग 48,94,000 शेयर यहाँ पर उठाए गए। तो इस बात को आपको ध्यान में देना चाहिए कि अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है, तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा खासा यहाँ पर आता हुआ हमें नजर आए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। अब ये कंपनी क्या करती है, देखिए मैक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचती सेल करती हुई नज़र आती है। इनका मैक्स हॉस्पिटल्स भी है और मैक्स लैब भी है, हेल्थ चेकअप भी है, गेट वैक्सीनेटेड। तो यहाँ पर मतलब हर चीज़ से रिलेटेड ये कंपनी काम। स्पेशलिटीज़ की बात करें तो कैंसर और लिवर ट्रांसप्लांट, न्यूरोसाइंस, किडनी ट्रांसप्लांट, तो हर चीज़ में ये कंपनी मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नज़र आते हैं एज वेल एज इंश्योरेंस। और इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा ही काम है इनका, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है, आपको बताना चाहता हूँ, मेरा खुद का है इधर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड यहाँ पर बात करें, देखिए मिड कैप कंपनी है, ओके आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, बट स्टिल बताना चाहता हूँ अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। इसका मैक्स फाइनेंशियल भी है, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा रहा है। डेट है 42% का, प्लेजिंग की बात करें तो यहाँ पर 0% की प्लेजिंग है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, देखिए रेवेन्यू विद अ नेटवर्क ऑफ 17 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूड BLK सुपर, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड ही इनका बिजनेस नज़र आता है। तो ये कंपनी का भी सीधे प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा, तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। ये भी कभी कभी भी आपको 10% 15% भागती हुई दोबारा नज़र आ सकती है। सेल्स की बात करें तो देखिए क्या सेल्स है, मतलब अगर बात करें पिछले 7 क्वार्टर में 264 करोड़ रुपये की सेल्स, अभी बात करें दिसंबर में 796 करोड़ की सेल्स। और अगर बात करूं मैं अभी दोबारा जिस तरीके कोविड बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, फिर भागता हुआ ये शेयर नजर आएगा, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, एंड एज वेल एज बात करें नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का प्रॉफिट 90 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है। अभी ही आपको पता है एक साल के अंदर 1884 का सेल्स थी, अभी 1951, तो अभी लिस्ट होता हुआ नजर आया है 95 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है माइनस में, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट, यहाँ पर एक्सपेंसेस देख सकते हैं, एक्सपेंसेस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 242 करोड़ का रहा। ओके, एज वेल एज बात करें अदर इनकम यहाँ पर लास्ट टाइम 72 थी, अदर इनकम यहाँ पर माइनस में चली गई, कौन होगी कुछ अदर इनकम वो देखना पड़ेगा गहराई से जब इसके पढ़ेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है, बट डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अदर इनकम की वजह से है। अदरवाइज टाटा केमिकल में भी क्या था, अदर इनकम की ही यहाँ पर एडजस्टमेंट थी, बाकी और कुछ नहीं। अदर इनकम और मेन रखता भी नहीं है, मेन रखता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज ऑपरेटिंग रेवेन्यू।
ओके, सेल्स ज़्यादा होती हुई नज़र, एक्सपेंस ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल अभी इनके रिजल्ट देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी कर क्या रही है। इस बार के रिजल्ट मेरे को लगता है कि अच्छे खासे आएंगे। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स देखिए क्या रिजर्व्स बढ़े हैं, मतलब मार्च 2020 में कितने थे, 450 के, तो अभी देखिए 3372 करोड़ के रिजर्व्स। बोरिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बट यहाँ पर रिजर्व्स इतने खासे अच्छे खासे हैं कि कंपनी अपनी बोरिंग तुरंत चुका सकती है। अगर बात करें और भी कुछ चीज़ों की, तो कैश इक्विवेलेंट भी देख सकते हैं, 402 करोड़ रुपए का तो कैश है इनके पास। ओके, ट्रेड रिसीवेबल भी 402 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर आया है। और हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के ROC, अगर हम यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% की है, FIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। ओके, एंड बात करें DIS यहाँ देख लीजिए 4% की होल्डिंग रखते हैं, और पब्लिक देखिए DIS FIs सब ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाती हुई नज़र आई है, तो इस अच्छे हाथों में ही है यहाँ पर होल्डिंग, लगभग 5% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी सब बात करें FIs DIS प्रमोटर्स ने लेके रख रखी है, तो इस शेयर की तरफ भी आप नज़रें बना के रख सकते हैं। अगर चार्ट की बात करें, बजाज जो हेल्थ केयर है ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऐसे में देखिए मैं भागते हुए शेयर को बिल्कुल भी पकड़ना पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं, कितनी भी रैली आए, कल ये 600 का शेयर 800 का भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा इस शेयर को, अब इस टाइम तो बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा RSI पे भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है। बट हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट होगी, एट दैट टाइम आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्टस से आप शेयर को कभी भी ले सकते हैं, जिस तरीके चार्ट पैटर्न है। सेम मैक्स हेल्थ को आप अपने रडार पे रखिए। ओके, मुझे नहीं लगता ये काफ़ी टाइम से इसी डायरेक्टरी में कंसोलिडेट कर रहा है, अगर हम बात करें 1 से 1.5 महीने से ही यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो अच्छा खासा ये कभी भी जंप दे सकता है, क्योंकि सारे शेयरों ने यहाँ पर जंप दे दिया। बाकी RSI की बात करें, 59 की RSI पे कंपनी ये चल रही है, तो आप यहाँ पर अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस करके, ओके, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पर आते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।